फ्रेंड्स वेलकम बैक, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से आपके लिए एक छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, एंड उसका एम पता है क्या है। आई वॉज सेटिंग इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट और मेरे पास एक पेशेंट आता है और उसके पेशेंट वॉज ऑफ डॉग बाइट, एंड वेन आई सी हिज हैंड तो उसने एक्चुअली में क्या कर रखा था, देर वॉज अ जहाँ पे वूंड था, बाइट था, जहाँ डॉग बाइट था उस एरिया पे उसने बहुत सारा मिर्च, बहुत सारा मिट्टी और बहुत एक गंदे कपड़े से उसको लपेट रखा था। एंड आई फील वेरी प्रिटी फॉर दैट पेशेंट कि एक्चुअली नो बडी टोल्ड हिम कि वॉट टू डू एक्चुअली, एंड व्हेन आई आस्क हिम ही टोल्ड मी दैट नो बडी एवर हैव टोल्ड हिम कि वॉट टू डू एक्चुअली आफ्टर डॉग बाइट। तो एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से आपको एक सिंपल बेसिक गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि डॉग बाइट के बाद आपको क्या क्या मेजर्स या स्टेप्स लेने हैं। तो इसी एम को ध्यान में रखते हुए हम सारी बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। तो सारे जो आप पूरा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू बी वरीड, व्हाई वी आर सो मच वरीड अबाउट द रैबीज इन द ह्यूमंस, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज एंड हैजिंग और साथ में इसका 100% केस फैटालिटी रेट है, क्योंकि वंस अगर आपको एक बार रैबीज हो गया तो देर इज़ नो वन हु कैन सेव यू। तो जो भी हमारे पास जितने भी आपने ट्रीटमेंट पढ़े हैं, गाइडलाइंस पढ़े हैं, आपने वैक्सीन लगवाते हैं, जो एक्चुअली इट इज़ अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इसका नाम दिया गया। प्रोफाइलेक्सिस मतलब अपने आप में हम एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, वी डोंट वॉन्ट दैट इन्फेक्शन दैट डिजीज टू अकर, हम एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं ताकि वो डिजीज़ का बहुत बड़ा डिजीज़ फॉर्म ना ले ले, और आपको उस सीवियर डिजीज से बचाने के लिए हम सारा मेजर्स लेते हैं। तो पैथोलॉजी के जस्ट सिंपल एक आपको इमेज बनाने के लिए कि अपने आप में एक वायरल न्यूरल डिजीज है, अपने आप में एक बार वायरस आपके ब्लड में एंटर करके ये न्यूरल पाथवे को अफेक्ट करता है, पूरा ब्रेन इंसेफलाइटिस कॉज कर देता है। तो व्हाट आर द रैबिट एनिमल्स, क्वेश्चन आता है कि आपको दिमाग में होगा कि किन किन जानवरों से हमें सावधान रहना है। तो वैसे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज ऑल वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज सारे वाइल्ड एनिमल्स को कैटेगरी 3 के इंक्लूड किया गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से 2019 जो लेटेस्ट गाइडलाइन दी गई है। और अगर बात करें बैट्स और स्क्विरल्स की या फिर रोडेंट्स की या फिर चूहों की, अगर कोई चूहा अगर आपको काट जाता है तो इंडिया के अंदर इन बाइट्स को रैबिट एनिमल की बाइट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ध्यान किसी से रखना है, इनके लिए कोई ज़्यादा बड़े प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल मैकेनिकल वॉशिंग और केमिकल वॉशिंग इज सफिशिएंट। तो इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर गाइडलाइंस दी गई हैं वो डॉग और कैट्स को लेकर दी गई हैं और ऑल द वाइल्ड एनिमल्स जो कि रैबिट हो सकते हैं। तो ऑल वाइल्ड एनिमल्स का कैटेगरी इंक्लूड इन द कैटेगरी 3। और जस्ट एक क्वेश्चन और आता है, एक बंदे ने मुझसे पूछा कि सर अगर ह्यूमन बाइट कर ले तो विल इट बी इंक्लूडेड इन द रैबिट कैटेगरी। तो डिपेंड करता है, आपको उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, अगर पेशेंट को पहले किसी उस ह्यूमन को किसी पहले किसी डॉग ने काट रखा है और वो अनप्रोवोकेटिव बाइट है, यानी कि जस्ट ऐसे ही किसी को रैंडमली काट रहा है, कोई साइकोटिक इलनेस तो नहीं है, तो वो सारी बातों को ध्यान रखने के बाद हम आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन है तो हमारे पास ह्यूमन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लाइक कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है, लाइक लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन है कि रेबीज हो चुका है या फिर किसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो ज़्यादा ध्यान रखना है, हम बस सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन स्टेटस, हमें ज़्यादातर किसी भी एनिमल को पता नहीं होता है तो उसका ध्यान रखें इस चीज़ का। तो प्रोवोकेटिव है कि अनप्रोवोकेटिव बाइट थी, अगर आप प्रोवोक कर रहे हैं तो वो एनिमल आपको बाइट करेगा। बाइट बाय द वाइल्ड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी 3, और रोडेंट्स की बाइट को और बैट की बाइट को भी हमने इंडिया के अंदर जो बैट्स हैं यानी कि चमगादड़ हैं उनकी बाइट को भी हमने रैबिट एनिमल की बाइट में इंक्लूड नहीं किया है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में बैट की बाइट को कैटेगरी 3 बाइट माना जाता है, तो उनके लिए प्रॉपर रैबीज के प्रोफाइलेक्सिस लेने पड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी अगर दिखाई देता है कि आखिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कैसे रैबीज का पेशेंट किस तरह का दिखता है, तो मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है आपके लिए, जस्ट हैव अ लुक कि क्या सीवियर फॉर्म ले सकता है ये रेबीज हाइपर सलाइवेशन। अगर आप इसको पेशेंट को देख रहे होंगे, सीवियर हाइपर सलाइवेशन होता है और पेशेंट जो होता है ज़्यादातर इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पेशेंट डरता है पानी को देखते ही या उसकी आवाज़ सुनते ही या उसको पीने से पीते ही, तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स सी, इस बच्चे को 2 महीने पहले एक कुत्ता काट गया था, एंड बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अनएजुकेटेड, उन्होंने पूरा वैक्सीनेशन नहीं लिया। सो दिस इज़ अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ रैबीज पेशेंट। तो प्लीज़ जस्ट अगर किसी भी तरह का अगर आपको डॉग बाइट होता है तो सारे स्टेप्स को लेके अपना पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स ज़रूर लें। चलिए बात करते हैं प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। प्री एक्सपोजर वो होते हैं जो ज़्यादातर हाई रिस्क कैटेगरीज के अंदर आते हैं, लाइक एनिमल हैंडलर्स हो गए,
वाइल्ड एनिमल्स को जो हैंडल करते हैं, डॉग हैंडलर्स हो गए, जो वायरस को हैंडल कर रहे हैं लेबॉरेटरी साइंटिस्ट हो गए, जो हमारे बड़े माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, तो इनको स्पेशली हम रिकमेंड करते हैं कि एक प्री एक्सपोजर एक एंटी रेबीज वैक्सीन का प्रोफिलैक्सिस लेना है, और साथ ही साथ अपने जो उसके जो वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी होगी उसको चेक कराना है। री एक्सपोजर क्या हुआ, पहले आपको ऑलरेडी आप वैक्सीनेशन ले चुके हैं या फिर आपको डॉग बाइट हुआ है, उसके बाद आपको किसी फिर से किसी डॉग ने या किसी एनिमल ने वापस बाइट किया है, तो जस्ट सिंपल एक पिक्चराइजेशन है आपके दिमाग में देने के लिए कि हाउ इट इज एक्चुअली अकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू डू सर, कि क्या करना चाहिए अगर कोई भी डॉग बाइट होता है या कोई एनिमल बाइट होता है। तो सबसे पहला काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ उस पर मिर्च या किसी तरह का मसाला या किसी तरह का मिट्टी या कोई भी गाय का गोबर प्लीज़ मत लगा कर लाइए। जो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जब मैं इमरजेंसी में बैठता हूँ, तो ज़्यादातर ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं अनएजुकेटेड। तो प्लीज़ मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा टेक होम मैसेज है, प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें, बिकॉज इस तरह से आप वुंड को और कंटैमिनेट करेंगे और आपका हाथ ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएगा और आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या करना चाहिए। सबसे नंबर वन है मैकेनिकल वॉशिंग। मैकेनिकल वॉशिंग जैसे आपको सिंपल रनिंग वाटर के अंदर, टैप वाटर के अंदर साबुन से उस वुंड को अच्छे से सबसे पहला काम है धोना है, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। फिर उस पर हम डालेंगे केमिकल लाइक अल्कोहल एंटीसेप्टिक हो गया या फिर बीटाडीन प्रोविडोन आयोडीन हो गया हमारा, उसको अगर आप प्रॉपरली अगर आप ये लोकल मेथड भी यूज़ कर लेते हैं ना, तो यू कैन डिक्रीज दैट वायरल लोड अप टू 80%। यस, अप टू 80% तक वायरल लोड डिक्रीज हो जाता है, दैट बर्डन ऑफ द डिजीज काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है ही, हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिंस हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक डिजीज़ को एनकाउंटर कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें डॉग बाइट के जस्ट बाद हैं और रेबीज़ होने से पहले की बातें हैं, ये सब प्रोफिलैक्सिस फॉर्म में, प्रिकॉशन फॉर्म में चल रही हैं। एक बार रेबीज़ हो गया तो वी कैन नॉट प्रिवेंट दैट पेशेंट फ्रॉम डाइंग। तो चलिए एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास आपके लिए, टोटल 1 मिनट का जस्ट एक क्लिप देखते हैं टोटल की क्या हमारा टेक्निक रहेगा वॉश करने का। प्रॉपरली वॉश करना है इसको अच्छे से साबुन से, डेटॉल सोप यूज़ कर सकते हैं आप उस पर, या तो रनिंग वाटर के अंदर, या फिर मैंने यहाँ पे NS यूज़ किया है, प्रॉपर NS अच्छे से वॉश करने के लिए। NS से अच्छे से पूरे वुंड को, पूरे हाथ को अच्छे से वॉश करना है। और नॉट जस्ट ये डॉग बाइट, आप जब भी किसी वुंड को, यहाँ पर कहीं भी मान लो रोड पर एक्सीडेंट है या फिर कोई ऐसा वुंड है जो ज़्यादा अंदर ज़्यादा डीप तक नहीं गया, तो उन वुंड को आप प्रॉपरली ऐसे ही वॉश कर सकते हैं। इस पे हमने प्रोविडोन आयोडीन यूज़ किया है, अच्छे से क्लीन करना है पूरा इसको, पूरा हाथों पे जहाँ जहाँ भी वुंड है, ताकि वो वायरल लोड हम कम कर सकें। तो ये प्रोविडोन आयोडीन काफ़ी हद तक वायरस को डी नेचर कर देता है, दिस हेल्प यू प्रिवेंट फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। प्रॉपरली क्लीन किया एंड दिस वी आर फिनिश अप दिस, राइट। तो वेरी इजी, आप आराम से अपने घर पे ये लोकल रेमेडी यूज़ कर सकते हैं और ये करना भी है आपको, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या ड्रेसिंग करनी है। यस, ड्रेसिंग करनी है, पर कौन सी ड्रेसिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ज़्यादा सिंपल गॉज ड्रेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट उस एरिया को कवर करना है, उस पर कुछ और लगाना नहीं है। तो दो तरह की ड्रेसिंग होती है, ऑक्लूसिव नॉन ऑक्लूसिव, हम बात करेंगे यहाँ पे। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को अवॉइड करना है, यू हैव टू अवॉइड द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ये ऑक्लूसिव ड्रेसिंग होती है, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग आप ऐसा मान लीजिए एक तरह की एयर टाइट ड्रेसिंग हुई, जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट से और आपका वुंड से कोई लिंक नहीं रह जाता। तो जब ऑक्लूसिव ड्रेसिंग आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वायरल ऐसे कल्चर मीडिया की तरह वायरस अपने आप में वहाँ पे एक्ट करता है, वहाँ पे अपने आप में वायरस बहुत फास्टली ग्रो करता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। सिंपल ड्रेसिंग आप जैसे कि बैंडेज हो गया या गॉज लगा सकते हैं, उस पर कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आपको, एंड जस्ट वेरी सिंपल फॉर दैट, राइट। चलिए, तो सूचरिंग भी अलाउ नहीं है, सूचर नहीं करने होते जब तक कि वो पूरा वुंड अच्छे से हील नहीं जाता और उस पर प्रॉपरली हमने इम्यूनाइजेशन सीरम नहीं लगा दिया। कॉटराइजेशन भी अलाउ नहीं है, नॉर्मल एंटीबायोटिक देने हैं पेशेंट को, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है और ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को अवॉइड करना है। चलिए अब हम बात करने वाले कैटेगरीज के बारे में, जो कैसे हमने डिवाइड किया, फिर वुंड उस बाइट को हमने कैसे डिवाइड किया कि किसको क्या देना है और किस तरह का वुंड कैसा लगेगा। तो सिंपल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो इंडियन गाइडलाइंस दी गई हैं, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी 1 है हमारा, लाइक टचिंग, आपने किसी एनिमल को फीड किया है, उसको टच किया, या आपका हाथ उसके हल्का सा मूवमेंट, उसके टंग को टच कर गया, सलाइवा को टच कर गया, तो दीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी 1। इंटैक्ट स्किन है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मैकेनिकल और केमिकल वॉशिंग करनी है। कैटेगरी 2 में क्या हुआ, निबलिंग, यानी कि हल्की सी खरोच मार दी, उसके पंजे लग गए
हल्का सा दांत लग गया उसका, जस्ट एब्रेशन हुआ नॉर्मल उसका, कोई ब्लड ब्लीडिंग नहीं हुई है, ध्यान रखना। तो माइनर छोटे मोटे इसको माइनर कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी वन एज अ मैकेनिकल केमिकल वॉशिंग और साथ में आपको वैक्सीन लेनी है। और कैटेगरी थ्री जो है सीवियर ट्रांस, मतलब आपने पूरा एज अट स्किन पूरी ब्रीच हो गई है, पूरा स्किन कट गया है, डीप बाइट है काफ़ी ज़्यादा, ब्लीडिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, और या फिर किसी म्यूकोजा से आप जो सलाइवा था उस एनिमल का वो आपकी म्यूकोजा यानी कि आपके होठों से लगा है, या फिर आपके किसी भी पर्टिकुलर एक्सपोज म्यूकोजा से या एक्सपोज स्किन से लग गया है, तो इट विल बी इंक्लूड इन द कैटेगरी थ्री। और उसके अंदर आपको प्रॉपर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन भी साथ में, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में लेने हैं। तो ध्यान रखिए, एक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन, उनको भी हमने कैटेगरी थ्री के अंदर इंक्लूड किया है, तो उनके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रोवाइड कराने हैं। तो सिंपल सा एक नॉर्मल इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से एक जस्ट आपको ओवरव्यू देना, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि एसेंस रेजिम है और एक हाई क्रॉस रेजिम है अपडेटेड 2019 के अकॉर्डिंग 03/7/14/28। ये डेज हैं आप जस्ट आपका जिस दिन आपकी फर्स्ट डोज लगी थी, डे जीरो इज काउंटेड एज द फर्स्ट डोज ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन। टोटल फाइव डोज लगती हैं इसके अंदर, जब आप आईएम लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, आप डेल्टॉइड पर लगा सकते हैं या फिर थाई पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर बात इंट्राडर्मल जो है या फिर थाई क्रॉस रेजिम में इंट्राडर्मल की बात करता है, तो 0.1 ml डोज है 0, 3, 7 और 28, ये टोटल चार सेटिंग्स में कवर हो जाता है। तो साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन है, अगर कैटेगरी थ्री है हमको इम्यूनोग्लोबुलिन का भी यूज़ करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को, वायरल लोड को कम कर सकें। चलिए, ज़्यादातर जो हमने वैक्सीन जो इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ होती है, ज़्यादातर हमारी यूज़ होती है इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इंडिया के अंदर 40 इंटरनेशनल केजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करना है इसको। एंड लास्ट जस्ट एक क्रक्स देने के लिए आपको, कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बी एजुकेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आसपास ऐसी चीज़ होती हैं तो आप जस्ट इधर अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें, उस वूंड को वॉश करें और वायरल लोड को ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम करना है, और अपने वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रॉपरली लेना है आपको। और जो भी आपके मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर प्रिकॉशंस भी साथ में लेने हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स कलीग्स, और इस नॉलेज को स्प्रेड करिए, ताकि आप जो भी अगर ऐसी भी कोई मिथ या कोई अनअवेयरनेस फैली हुई है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर, वो ख़त्म हो सके। चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।